है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मुरादाबाद के बाद स्टेशन के बाद जहाँ से उतरा था उसके बाद मुझे पकड़नी है अपने गांव के लिए बस। तो भाई लोगों, मैं बस से उतर चुका हूँ। कितनी भीड़ है यार, देख भीड़ी भीड़ है, परेशान हो गया था अभी मैं यार। इतनी भीड़ में तो मैं कभी आया नहीं हूँ वैसे, पर आना पड़ता है ना, कहीं कुछ काम होता है जाना पड़ता है। देखते हैं फिर आगे कितना लंबा सफ़र रहेगा आज का। फाइनली मैं अब आ चुका हूँ अपने गांव के रास्ते पे, और इधर से मुझे ना एक लेना पड़ेगा जो मकोड़ा टेम्पो है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको मकोड़ा टेम्पो की हालत, क्योंकि जब हम गांव में इधर से उधर दूसरे गांव से ट्रैवल करते थे तो उसका नाम मकोड़ा था। तो उसके बाद उसका नाम मकोड़ा ही टेम्पो रख दिया था हमने। और ये है, देखता हूँ ये मकोड़ा टेम्पो कितनी देर में चलेगा, कितना टाइम लगेगा हमको पहुँचाने में। मैं जो इधर खड़ा हूँ वो उधर है पुल, और पुल में दिखा देता हूँ जो है रामगंगा। हमारे गांव से रामगंगा गुजरती है यहाँ से यहाँ तक, और मतलब जिधर से मैं आ रहा था टेम्पो मकोड़ा में बैठ के, मकोड़ा टेम्पो नाम रखा हुआ है उसका, वो काफ़ी लंबी नहर थी मतलब ये पूरे यहाँ से यहाँ तक। और ये है पुल, पुल के बाद ये पूरी इतनी चौड़ाई और इतनी लंबाई है। अब चलता हूँ मैं अपने गाँव की तरफ। ये सामने ही है मेरे घर का रास्ता, इधर से गांव में जाना पड़ेगा अंदर तक। तो भाई लोगों, मैं जा रहा था अपने घर की तरफ, तो मुझे देखने को मिला ये कुश्ती का नज़ारा जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में अभी मेला लगा हुआ है। तो मैं ये इधर साइड में था, काफ़ी भीड़ थी, कुश्ती तो मैं दिखा। आ गया मेरा घर अब। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने घर। तो यह है मेरा छोटा सा घर, बस थोड़ा वो सही है मतलब जैसा भी है। और तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ घर के बाद। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारे गांव का मंदिर, और गांव के मंदिर में लगा हुआ था ये कुछ ऐसा शानदार नज़ारा था मेला देखने को, तो काफ़ी मज़े आए घूमने में वहाँ। तो देखते हैं लास्ट क्यों लेना है, यही लेना है भाई हर्ष के लिए तमंचा। इसके बाद यहाँ देखो गुड़िया इधर की तो बन रहा है। एटीएम कहाँ है, एटीएम भाई सामने रखी हुई, एटीएम